हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9 का एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 32 एंड इट इज़ डिवाइडेड बाय x प्लस 2, सो व्हाट इज़ द रिमाइंडर। सो लेट्स सॉल्व दिस। हम लोग लिखते हैं इसको पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 32। नाउ जैसे हम लोगों ने किए थे कि x प्लस 2 को जीरो करना है जिससे कि x का वैल्यू आ जाए माइनस 2, सो इस वैल्यू को हम लोग ट्रांसफ़र कर देते हैं पी एक्स एट एक्स इक्वल टू माइनस 2। सो यहाँ पे हम लोग को वैल्यू प्लेस कर देना है। देखिए माइनस 2 का क्यूब हो जाएगा, देन माइनस 3, देन माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 2 एंड देन प्लस 32। सो नाउ सी माइनस 2 होल क्यूब दैट वुड बी माइनस 8 एंड नाउ माइनस 2 इंटू माइनस 2 दैट इज़ प्लस 4, so that it would be minus 12, then minus 8, then plus 32. So it would become 8 plus 12, that is 20, 20 plus 8, 28. So 32 minus 28, that would be 4. So I will write the answer. The remainder is 4. Thank you guys. नेक्स्ट हम लोग आते हैं कुछ फैक्टराइजेशन का कुछ फार्मूलाज के बारे में। जैसे आप लोग को पता होगा ए प्लस बी होल स्क्वायर दैट वुड बिकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड नाउ ए माइनस बी होल स्क्वायर दैट वुड बिकम ए स्क्वायर देन माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एंड नाउ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सो दैट वुड बिकम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सारे के सारे फार्मूलाज फैक्टराइजेशन के टाइम काम में आते हैं। जैसे और कुछ फार्मूलाज है, जैसे 4ab यदि हम लोग देखते हैं क्या होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर। नाउ अगेन और एक आता है 2 into a² प्लस बी स्क्वायर, ए हम लोग देखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये सारे के सारे फार्मूलाज हम लोग को काम में आते हैं, ठीक है। जैसे देखिएगा ये वाला जो क्वेश्चन है इसको फैक्टराइज करने के लिए बोल रहे हैं एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 10। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। पहले इन दोनों से क्या करेंगे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 2 बचेगा, इसके बाद प्लस 5 ले लेंगे तो क्या बचेगा एक्स प्लस 2 फिर से। तो इसका हम क्या लिख लेते हैं एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2 कॉमन है सो एक्स प्लस 2 कॉमन ले लिए और बच गया एक्स स्क्वायर प्लस 5, सो दैट इज़ द आंसर। सो इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2x, तो इसमें हम लोग देखेंगे 2x माइनस 3 होल स्क्वायर देन माइनस 8x प्लस 12, सो दैट इज नाउ सी 2x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस यहाँ से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं 4 कॉमन ले सकते हैं, तो 4 यदि ले लेते हैं तो क्या बचता है x माइनस 3 बचता है, राइट, बिकॉज माइनस 4 इंटू एक्स माइनस सॉरी 2x दैट इज। So now, I will take 2x minus 3 common. So now, 2x minus 3 and that is 2x minus 3 and then minus 4. So that equal to 2x minus 3 and then 2x minus. Now see minus 3 minus 4 that is minus 7. So that is the answer. I hope you liked the video. Please subscribe.
एंड कॉमेंट एंड प्लीज़ डू शेयर एंड आज के लिए यहीं पे स्टॉप. थैंक यू गाइज़.